हेलो माय डियर फैमिली, तो कैसे हो भाई लोग। हाजिर है आपके लिए एक और नया एपिसोड। दिस इज एपिसोड नंबर 80। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट अपडेट है टाइगर 3 मूवी के टॉवेल फाइट वाले सीन को लेकर। तो इस सीन के कुछ डाई हार्ड फैंस ने इस सीन के बारे में गहन रिसर्च करी और पता लगाया कि ये जो दूसरी एक्ट्रेस है कैटरीना कैफ के साथ जो फाइट कर रही है, एक्चुअली हॉलीवुड की काफी पॉपुलर एक्ट्रेस है जिनका नाम है मिशेल ली, जिन्होंने काफी बड़ी बड़ी मूवीज में काम किया है, लाइक वेनम, रेसिडेंट एविल, बुलेट ट्रेन वगैरह वगैरह। साथ ही में टाइगर 3 मूवी से इमरान हाशमी ने अपने किरदार के बारे में एक्सप्लेन किया, जहां उन्होंने बताया कि उनका किरदार काफी इंटेलिजेंट होगा, जो टाइगर को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है भाई, और उसका सबसे बड़ा हथियार होगा उसका दिमाग, जैसे कि अपने टोटो भाई का दिमाग है वैसा। साथ ही इमरान हाशमी का ये आतिश कैरेक्टर पॉलिटिकली भी काफी पावरफुल होने वाला है, जो दूसरे कंट्रीज के बड़े बड़े अधिकारियों को भी कंट्रोल करता है अपने फायदे के लिए। तो ओवरऑल बात करें तो इस बार फाइट फिजिकल पावर से ज्यादा ब्रेन पावर की होने वाली है, जहां इस बार अपने टाइगर को एक जाल में फंसाया जाएगा जिसका असर शायद पूरे स्पाई यूनिवर्स पर पड़ेगा, एंड पॉसिबली इसी मूवी की वजह से ही टाइगर वर्सेस पठान वाला इवेंट क्रिएट होगा। अब ये कैसे होगा ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो भाई कमेंट करके जरूर से बताना प्लीज। तो अपना नेक्स्ट अपडेट है सोनी लियू पर रिलीज हुई स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी वेब सीरीज को लेकर। तो जिन्होंने ये सीरीज देखी है वो जानते हैं कि ये सीरीज अभी तक बस आधी ही रिलीज हुई है। तो जिनको ये सीरीज पसंद आई थी उनके लिए एक गुड न्यूज है, इसका सेकंड सीजन 2 नवंबर को रिलीज हो रहा है सोनी लियू पर ही। और जिन्हें इस सीरीज के बारे में नहीं पता है उनको बता दूं कि ये सीरीज अब्दुल करीम तेलगी के स्टैम्प पेपर स्कैम पर बेस्ड है, जिन्होंने देश के कई हजारों करोड़ रुपए लूटे सिर्फ नकली स्टैम्प पेपर्स बेचकर। रेफरेंस के लिए बात करें तो ये सीरीज कुछ कुछ हर्षद मेहता की वेब सीरीज स्कैम 1992 जैसी है और मेकर्स भी वही है। तो अगर आपको वो सीरीज पसंद आई थी तो आपको ये जरूर से पसंद आएगी। तो आप ये पूरी सीरीज देख सकते हैं 2 नवंबर को सोनी लियू पर। वहीं अपना नेक्स्ट अपडेट है ऋतिक रोशन की वॉर 2 मूवी को लेकर, जो कि अब ऑफिशियली स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। तो इस मूवी की शूटिंग फाइनली स्टार्ट हो चुकी है भाई लोग, वो भी स्पेन के अंदर, जहां सबसे पहले इस मूवी के लिए एक कार चेजिंग वाला सीन शूट किया जा रहा है, जिसकी कई सारी वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर यानी कि अयान मुखर्जी। साथ इस मूवी की मेन लीड कास्ट में होने वाले हैं ऑब्वियसली ऋतिक रोशन, लेकिन उनके साथ होंगे कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर, जहां अभी तो कहा जा रहा है कि भाई जूनियर एनटीआर इस मूवी के अंदर मेन विलन होने वाले हैं। अब ये मेन विलन होंगे या नहीं ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इनकी फाइट ऋतिक रोशन के किरदार यानी कि कबीर से होनी है ये तो पक्की बात है। वैसे ये मूवी 2024 के एंड में या फिर 2025 में जनवरी महीने तक रिलीज हो जाएगी। वहीं अपना नेक्स्ट अपडेट है गणपत मूवी को लेकर, जहां इस मूवी की ड्यूरेशन 2 घंटे और 14 मिनट की होने वाली है। साथ ही कल इसका एक नया प्रोमो भी रिलीज किया गया, जो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स करके बताना। और हाँ, 20 अक्टूबर को यानी कि कल ये मूवी रिलीज भी हो जाएगी, तो देखते हैं कि मूवी का कंटेंट ऑडियंस के नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को बदल पाता है या नहीं, या फिर उनके नेगेटिव पॉइंट्स को एकदम सही साबित कर देगा। तो जैसा भी होगा हम आपको रिव्यू के अंदर जरूर से बता देंगे, रिव्यू आएगा हमारे मेन चैनल जस्ट टेक के ऊपर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि रिलेटेड है एक्टर धनुष की कैप्टन मिलर मूवी को लेकर, जो कि एक पीरियोडिक एक्शन मूवी होने वाली है, जहां इस मूवी के मेकर्स ने ये भी हिंट दिया है कि हर बड़ी एक्शन मूवी की तरह ये मूवी भी 2 पार्ट्स में रिलीज की जाएगी, जहां इसका फर्स्ट पार्ट इसी साल 15 दिसंबर को रिलीज होगा। साथ ही इसका एक टीजर भी आज रिलीज हुआ है, तो आपको कैसा लगा वो टीजर कमेंट्स करके बताना। अगला अपडेट है तुम्बाड़ मूवी को लेकर, जो कि 2018 में आई एक हॉरर फैंटेसी मूवी थी, और ये वो मूवी है जिसे पहले तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन समय के साथ इस मूवी ने ऑडियंस के ऊपर अपना वो जादू चलाया कि जिसने आज तक ये मूवी देखी है वो बस आज तक इसकी तारीफ ही करता आ रहा है, क्या क्वालिटी कंटेंट है। तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि अगर आपने भाई तुम्बाड़ मूवी नहीं देखी है तो उसको जरूर से देख लेना। तो भाई तुम्बाड़ के फैंस के लिए अपडेट ये है कि इसके पार्ट 2 के ऊपर काम चल रहा है, और इसके मेकर सोहम शाह ने ये हिंट दिया है कि इस बार इस पार्ट को वो और भी बड़े लेवल पर बनाने वाले हैं। तो भाई आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड ये देखने के लिए कि इस बार तुम्बाड़ का लेवल क्या होगा। और आज का अपना लास्ट अपडेट है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी को लेकर, तो क्या इस मूवी की सीक्वल बनने जा रही है, क्योंकि इस मूवी के एक्टर फरहान अख्तर ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कल एक पोस्ट किया जिसमें लिखा हुआ था शूट द बॉयज हेड ऑन अनदर ट्रिप, जिसके ऊपर बाकी 2 एक्टर्स यानी कि ऋतिक रोशन और अभय देओल ने भी रिप्लाई दिया कि रेडी लेट्स गो। और इसकी वजह से सिनेमा लवर्स के बीच में ये बातें घूमना शुरू हो गई है कि इस मूवी की सीक्वल आने वाली है या फिर आ सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि इस मूवी की सीक्वल बननी चाहिए या नहीं कमेंट्स करके बताना। वैसे मेरा तो ओपिनियन है कि इसकी सीक्वल बननी ही चाहिए, और जिन लोगों ने भाई अभी तक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा नहीं देखी है तो भाई उसको 100% देख लेना। ओके देन भाई, आज की बात यही तक रखते हैं। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना भाई, और आपके दोस्तों के साथ प्लीज हमारे वीडियोस को शेयर करना, नया चैनल है आपके सपोर्ट की जरूरत है। दिस इज जय एंड यू आर वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, जय हिंद।